हे एवरी वन आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल टू टूज न्यू एनालिसिस वीडियो सो आज का डेट है इलेवंथ ऑफ जैन एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशन थर्सडे एंड करेंटली मार्केट्स आज का क्लोज हो गया है सो so, एक्सपायरी आज का काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा एंड मार्केट्स का में काफ़ी ज़्यादा विप्सो देखेंगे तो आज के दिन देखने को मिला है सो सेकेंड हाउस सेशन में ज़्यादा और ज़्यादा वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई है एंड मेजर विप्सॉज आज के दिन क्रिएट हुआ है तो इसका जो एनालिसिस ऑब्जर्वेशन था ये मुझे पहले से ही आज के दिन मॉर्निंग से लग रहा था कि आज के दिन मार्केट वोलेटाइल है एंड इस कदर मार्केट वोलेटाइल था कि आई वॉज थिंकिंग कि आज एग्जीक्यूशन नहीं करना चाहिए बट एक मार्केट ने सर्टेन बिहेवियर क्रिएट किया जैसे हमारा व्यू बाइंग साइट का था तो बाइंग साइट का डबल कन्फर्मेशन आ गया इसलिए आज के दिन एग्जीक्यूशन किया गया अदरवाइज वोलेटिलिटी की वजह से मैं आज के दिन एग्जीक्यूशन नहीं करने वाला था तो लर्निंग वीडियो होगा इन पॉइंट्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है तो चार्ट्स के थ्रू अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो आज के दिन जैसे कि मार्केट यहाँ पर गैप अप हुआ है तो गैप अप को मैंने मल्टीपल टाइम कहा है कि गैप अप को हम बाइंग स्विंग में ही काउंट करते हैं एंड गैप डाउन को सेलिंग स्विंग में काउंट किया जाता है तो लास्ट एनालिसिस वीडियो में कल के एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया गया था कि मार्केट ओवरऑल क्या कर रहा है ओवरऑल इस मेजर रेंज में करेंटली परफॉर्म कर रहा है तो मेजर रेंज का जो देखेगा बिहेवियर था कि मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट टेस्टिंग किया बट लास्ट डे का जो क्लोजिंग सेशन था इसमें मार्केट्स ने क्या किया ट्रेंडिंग बाइंग साइड का मोमेंटम करते हुए मार्केट्स कल के दिन क्लोज हुआ था तो जब भी देखिएगा इतना ज्यादा ट्रेंडिंग या शार्ट मोमेंटम होगा तो कंटिन्यूस ये रिवर्स भी नहीं करेगा ना ही कंटिन्यूस कंटिन्यूशन होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि मार्केट अपने मेजर सपोर्ट से क्या कंटिन्यूस सिंगल स्विंग में बाइंग साइड जा सकता है इसका प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम होता है तो आज़ अ ट्रेडर हम प्रोबेबिलिटी को प्ले करते हैं एंड इसी बेस पर अपना ओवरव्यू जो होता है वो मैं आप सभी के साथ पहले एक दिन एनालिसिस वीडियो में डिस्कस करता हूँ शेयर करता हूँ एंड इसके बाद लाइव मार्केट में जो केसेस क्रिएट होते हैं तो लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पर ओवरव्यूज़ को शेयर किया जाता है So, कल के एनालिसिस वीडियो में क्लियर कट मेंशन किया गया था कि अगर आज के दिन मार्केट अगर ओपन होकर के बाइंग साइड जाएगा तो बाइंग साइड जाएगा तो क्या करेंगे रेजिस्टेंस बनने के बाद शॉर्ट करेंगे तो ये पहला ट्रेड होगा और अगर ओपन होने के बाद अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो जो भी इंट्राडे सपोर्ट मार्केट स्टेबल करेगा वहां से एक बाउंस बैक बाइंग साइड का एक्सपेक्टेड होगा तो सेम आज के दिन देखेंगे दोनों केसेस बने हैं दोनों साइड का ट्रेड मिला है बट आज के दिन सपोर्ट बनने के बाद मैंने पर्सनली यहां पर बाइंग किया है रेदर देन सेलिंग इन द फर्स्ट स्विंग तो ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों किया गया क्योंकि समझिएगा मॉर्निंग का अगर मूव क्या होता ये बाइंग स्विंग थोड़ा और आ जाता या साइडवेज रहता तो तो डेफिनेटली मैं इंटरा डे लो के ही ब्रेकडाउन का एग्जीक्यूशन करता बट 10 बजे के पहले 10 ए एम इन द मॉर्निंग से पहले मैं जनरली ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करता हूं क्योंकि मार्केट काफ़ी ज्यादा अनस्टेबल होता है काफ़ी क्विक मोमेंटम होता है प्राइसेस भी एंट्री उतने अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाता है इसलिए मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि मार्केट सेटल हो जाए सेटल होने के बाद एग्जीक्यूशन करें तो अगर मार्केट यहीं कहीं दस बजे तक या नाइन तक भी अगर सस्टेन कर जाता इंट्रा हाई को ब्रेक लो को ब्रेक नहीं करता तो फिर आज के दिन फिर ये फर्स्ट सेलिंग स्विंग को हम ट्रेड करते कि मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर तो कंटिन्यूस जाएगा नहीं क्योंकि कल से मेजर लो से लगातार ऊपर जा रहा है तो जैसे ही रेजिस्टेंस बनता थोड़ा सा अगर और होल्ड कर जाता तो पहला ट्रेड अकॉर्डिंग टू द लॉजिक हम सेलिंग स्विंग को ही ट्रेड करते हैं बट सेलिंग स्विंग क्यों ट्रेड नहीं किया गया मैं अगेन मेंशन करूंगा क्योंकि मार्केट ओपन होते साथ ही गिरने लगा है तो फर्स्ट स्विंग में जनरली मैं एंट्री लेना प्रेफर नहीं करता हूं ना ही मैं एडवाइस करता हूं कि आप फर्स्ट स्विंग में ही एग्जीक्यूशन करें क्योंकि एक दो बार तो वो चीज़ें सही होंगी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा मार्केट खुला मैंने एंट्री लिया और एग्जिट हो गया बट लॉन्ग रन में आप देखेंगे जब कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा फर्स्ट स्विंग को ट्रेड करने में तो इट्स ऑलवेज बेटर कि कोई जल्दबाजी नहीं है अभी तो मार्केट एनएससी ने अनाउंस भी किया है कि मार्केट टाइमिंग एक्सटेंड होने वाला है तो वैसे ही कोई जल्दबाजी नहीं है मार्केट को सेटल होने दीजिए मोमेंटम क्रिएट होता है या तो फर्स्ट हाफ सेशन में अच्छा मोमेंटम मिलता है या फिर तो सेकेंड हाफ सेशन में काफ़ी अच्छा मोमेंटम इंडियन मार्केट्स में अभी दो मूव्स आता है तो मैं फर्स्ट हाफ सेशन को सेटल होने के बाद ट्रेड करना प्रिफर करता हूँ और अगर ओपन होते साथ ही देखिए ट्रेड करने की जो हैबिट होती है ये बहुत ही ज़्यादा डिजास्ट्रस होती है एंड खतरनाक होती है क्यों ये इतनी ज़्यादा डेंजरस होती हैं क्योंकि फिर आप वेट करने लगते हैं आपको एन्जाइटी होने लगेगा मार्केट ओपन होगा ऐसे कई लोग हैं मैंने देखा है कि मार्केट खुलता ही है और वो एग्जीक्यूशन करने लगते हैं क्योंकि उनका हैबिट ही यही बना हुआ है तो आपको फिर फोमो होने लगता है कि मार्केट ओपन हुआ पहला ही स्विंग अगर ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं मोमेंटम मिस ना हो जाए तो इसलिए मैं फर्स्ट स्विंग को अवॉइड करता हूँ एंड जो भी लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं या टाइम भी हुआ है उन्होंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि फर्स्ट स्विंग को ट्रेड करना मुश्किल होता है मार्केट सेटल हो जाए फिर चीजें आप अगर एग्जीक्यूशन करो तो इट्स कंपेरेटिवली ईजी देन दी ओपनिंग और एकदम ओपन होने के बाद एग्जीक्यूशन करना सो so, इसी बेस पर आज के दिन पहला सेलिंग स्विंग नहीं लिया गया अदरवाइज मोमेंटम तो एक्सपेक्टेड था ही जैसे कल के एनालिसिस वीडियो में कहा गया कि ऊपर जाएगा तो ऊपर नहीं जा पाएगा और नीचे गिरेगा तो नीचे नहीं गिर पाएगा क्योंकि मार्केट क्लोज ही ऐसी कंडीशन में हुआ है तो गिरने के बाद जब मार्केट गिरने लगा तो इट वॉज़ क्लियर कि कंटिन्यूस रिवर्सल अब बाइंग स्विंग के बाद ये इतने बड़े बाइंग स्विंग का तो होगा नहीं तो आई वॉज वेटिंग फ्रॉम द मॉर्निंग कि जैसे ही इंट्रा सपोर्ट बनेगा और बाइंग साइड का एग्जीक्यूशन किया जाएगा तो सिमिलर बेसिस पर आज के दिन मार्केट्स ने यहाँ पर कि सबसे पहले तो वोलेटिलिटी अगर मैं आपको मेंशन करूँ तो मार्केट जितना यहाँ पर वोलेटाइल था कि यहां से सपोर्ट से मार्केट पहले बाइंग साइड जाने लगा तो ऐसा यहां से अकॉर्डिंग टू द तो दंफर्मेशन है कि सपोर्ट बन चुका है मार्केट इज गोइंग ऑन टू द बाइंग साइड बट यहां पर फिर क्या हुआ है अगली ही रेड कैंडल ने पूरे हाई से पूरा मोमेंटम रिवर्स कर दिया है तो ये क्या है ये काफी ज्यादा एग्रेसिव बाइंग साइड का मेजर ये रिट्रेसमेंट था अभी तक इस पूरे सेलिंग स्विंग में अगर आप देखोगे तो ये ये अभी तक का सबसे मेजर रिट्रेसमेंट था, बाइंग कैंडल कैंडल वाला, But एक सिंगल ने रिवर्स कर दिया तो वोलेटिलिटी यहां पर हाई था इसके बाद मार्केट नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद क्या किया एकदम से पूरा सपोर्ट स्टेब्लिश करके अगेन इतना बड़ा विक क्रिएशन तो जिस भी मार्केट में देखिए बहुत बड़ी क्या हो विक क्रिएशन हो तो वहाँ पर जनरली वो मार्केट इतना ज़्यादा फेवरेबल फॉर इंट्राडे डे नहीं होता है इसलिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहा कि आई वॉज थिंकिंग कि आज के दिन एग्जीक्यूशन नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि आप देखो कि विक क्रिएशन आज के दिन देखिए ये पहला जो ग्रीन कैंडल है इसमें विक क्रिएशन देखिए विक मतलब क्या कि बाइंग साइड मोमेंटम हुआ और एकदम से सेलिंग साइड रिवर्स हो गया तो जो फर्स्ट कैंडल है आज का वो भी सस्टेन नहीं किया एकदम से रिवर्स हो गया आप देखो कि वी शेप में मोमेंटम हो रहा है बाइंग साइड गया फिर पूरा सेलिंग चला गया और फिर देखिए जो हाई लगाया है नेक्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल ये अगेन हाइज तक गया है और अगेन रिवर्स हो गया अगेन विक क्रिएशन फिर यहाँ पर अगेन जो सिमिलर चीज है कि चलो मॉर्निंग में ऐसा हुआ इसके बाद क्या हुआ अगेन यहाँ पर सेम चीज देखने को मिली कि बाइंग साइड का मोमेंटम हुआ सिंगल कैंडल रिवर्स कर दिया तो इसी के बेस पर ये जो बिहेवियर मल्टीपल टाइम हुआ तो मुझे लग ही रहा था कि आज के दिन अनसर्टेन मार्केट है एग्जीक्यूशन नहीं करना चाहिए बट फिर भी क्यों किया गया है क्योंकि टू टाइम्स यहाँ पर बाइंग साइड का रिवर्सल आया है और ज्यादा मोमेंटम सेलिंग साइड का कंटिन्यूशन नहीं हुआ है कंसेप्ट को समझिएगा कि एक जनरल कंसेप्ट होता है देखिएगा जो लॉन्ग टर्म में यहाँ पर एप्लीकेबल होता है सेम ही इंट्राडे में एप्लीकेबल होता है कि कोई भी जैसे मान लीजिए जैस सेलिंग स्विंग चल रहा है राइट तो सेलिंग स्विंग गिर रहा है तो जब भी लो ब्रेक होगा मार्केट क्या करेगा ज्यादा मोमेंटम करेगा बट जो लो ब्रेक होने के बाद अगर मार्केट ज़्यादा मोमेंटम ना करे तो वो रिवर्सल का साइन होता है जैसे कोई ट्रेंड चल रहा है सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम किया सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ अगेन मोमेंटम किया बट जो लास्ट लोज होते हैं वो मार्केट ब्रेक करता है तो ज़्यादा मोमेंटम नहीं करता है जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल में नहीं किया तो सेम चीज़ इंट्राडे में एप्लीकेबल होती है वो रिवर्सल का साइन होता है तो इसी बेस पर ये चीज़ यहाँ पर क्रिएट हुई कि अगेन एंड अगेन मार्केट ने यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा रिवर्सल किया जो बायर्स का जो इंटरेस्ट था कि पूरा सेलिंग सिंगल ही कैंडल में रिवर्स हुआ है देखिए सिंगल कैंडल ओपन होकर के यहाँ तक रेड बना इसके बाद रिवर्स होकर के स्ट्रेंथ का क्लोजिंग आया है तो दिस वाज दी कंफर्मेशन कि मार्केट अब स्ट्रेंथ आ रही है मार्केट विल बी रिवर्सिंग हेयर इसके बाद अगेन ये फेल हुआ सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ बट ब्रेक के नीचे क्या हुआ इन लोस के नीचे क्लोजिंग नहीं आया और मार्केट अगेन क्या किया सेलिंग स्विंग को सेलिंग कैंडल को एक ही सिंगल कैंडल ने पूरा रिवर्सल किया है तो एग्रेसिव रिवर्सल हुआ है टू टाइम्स लो ब्रेक पर ज्यादा मोमेंटम भी नहीं हुआ है क्लोजिंग भी नहीं आया है गैप फिलिंग भी होगा इसी बेस पर प्रोबेबिलिटी वाज हाई कि इंट्राडे लो यहां पर बन चुका है नाउ द मार्केट विल बी प्रोसीडिंग ऑन टू द बाइंग साइड तो सिमिलर बेसिस पर आज के दिन आप सभी के साथ भी जैसे ही कंफर्मेशन आया तो टेलीग्राम चैनल पर आप सभी के साथ ओवरव्यू को शेयर किया गया जैसा कि एनालिसिस वीडियो में एक दिन पहले डिस्कस किया गया था सो so ये आज का डेट है टुडे एंड यहाँ पर टाइमिंग देखेंगे तो 10.07 पर सबसे पहले अपडेट दिया गया कि जैसे मैं 10 बजे के बाद जनरली एग्जीक्यूशन प्रिफर करता हूँ तो टेन आप मल्टीपल पोस्ट देखेंगे इसी टाइमिंग पर पोस्ट आएगा टेन डॉट जीरो सेवन टेन जनवरी का देखेंगे तो टेन डॉट ट्वेंटी वन एम इसके पहले का अगर देखेंगे तो मॉर्निंग का जो पहला पोस्ट होता है इट्स नाइन फिफ्टी एम तो सारे पोस्ट आपको दस बजे के करीब मिलेंगे क्योंकि आई वेट पेशेंटली इन द मार्केट्स टू गेट मार्केट सेटल डाउन तो एट जनवरी को भी देखेंगे आप टाइमिंग एट टेन डॉट एटीन एम है इसके पहले भी चले जाएंगे जितना भी डेटा देखेंगे टेन डॉट इलेवन एम फिफ्थ जनवरी इसके पहले भी चले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा टाइमिंग इज़ दिस इज़ थर्ड जनवरी टेन डॉट टेन एम तो कहने का मतलब ये चीज़ें मैं आपको क्यों शो कर रहा हूँ कि आई वेट पेशेंटली फॉर द मार्केट्स टू गेट सेटल डाउन इसके बाद ही कोई भी ओवरव्यू एग्जीक्यूशन प्लान किया जाता है भले मोमेंटम मिस हो जाए कि ये सेलिंग साइट का स्विंग निकल गया कोई बात नहीं राइट right. बट 10 बजे के पहले मैं जनरली प्रिफर नहीं करता हूँ तो सेम बेस पर देखिएगा और ये मेरी जो ट्रेडिंग जर्नी है जो लर्निंग है इस पर मुझे पर्सनली 10 बजे के बाद एग्जीक्यूशन करना या 10 बजे के बाद मेजर एनालिसिस या डिसीजन फॉर्म करना मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें क्या कहना चाहिए पॉजिटिवली हेल्प किया पॉजिटिव इम्पैक्ट आया इन माई ट्रेडिंग जर्नी क्योंकि मार्केट को सेटल होने देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेटल नहीं होगा उसके पहले एनालिसिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उतना ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होता है एक बार सेटल हो जाए तो उसके वर्क करने की परफॉर्म करने का या जो क्लैरिटी डेवलप होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है देन दी अनसेटल्ड मार्केट्स सो टाइमिंग आज का देखेंगे तो आज का जैसे ही कन्फर्मेशन आया टेन डॉट सेवन ए एम पर सबसे पहले ओवरव्यू अपडेट किया गया कि आज के दिन हम क्या करने वाले हैं तो टेक्स्ट देखेंगे तो मार्केट मैंशन किया गया कि आज का मार्केट इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट टूडे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आज के दिन एक्सपेक्टेड है आफ्टर इंट्रा डे सपोर्ट क्रिएशन 10.07 पर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा था सेलिंग स्विंग क्रिएट हो चुका था अगर 10 बजे तक ऊपर होल्ड करता तो फिर मैं आज के दिन शॉर्ट करता बट 10.07 तक ऑलरेडी सेलिंग मोमेंटम हो चुका है तो यहाँ मेंशन किया गया बाय ऑन डिप मार्केट है कंटिन्यूस सेलिंग स्विंग का रिवर्सल नहीं होगा इसी एक्सपेक्टेशन पर हम वेट कर रहे थे कि रजिस्टेंस ब्रेकआउट का आज के दिन वेट करेंगे मार्केट जहां से सपोर्ट बनाएगा वहां से बाइंग साइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा तो सबसे पहले इस पोस्ट को शेयर किया गया कि जैसे ही इंट्रा सपोर्ट बनेगा हम बाय करेंगे इसके बाद इंट्राडे सपोर्ट क्रिएशन हुआ है टेन डॉट थर्टी फोर एम पर टाइमिंग यहाँ देख सकते हैं तो टेक्स्ट को मेंशन किया गया कि इंट्रा सपोर्ट क्रिएटेड एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट इज एक्सपेक्टेड तो जो सबसे पहला रिवर्सल था जब ये इतना स्ट्रेंथ का रिवर्सल आया तो आई वॉज़ कॉन्फिडेंट कि अब मार्केट सस्टेन होगा ऑन टू द बाइंग साइड तो इसी कैंडल में आज के दिन सबसे पहला ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया बट जैसे कि हम चार्ट पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है ये जो बाइंग स्विंग है ये कैंडल थोड़ा ऊपर गया है इसके बाद सस्टेन नहीं किया रिवर्सल आने लगा है तो सेम रिवर्सल आने पर मैंने पोजीशंस को एग्जिट किया है एंड जब भी देखिए पोजीशंस क्या होता है ब्रेक इवन पर एग्ज़िट हो जाए या फिर तो हमारा एसएल अमाउंट पूरा ना जाए तभी इस केस में दूसरा ट्रेड लिया जाता है अदरवाइज एस एल प्रॉपर चला गया तो फिर दूसरा कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया जाता है तो सिमिलर बेसिस पर पहला सपोर्ट जो देखेंगे मार्केट ने क्रिएट किया तो इसको तो ब्लफ किया है बट जो सेकंड सपोर्ट यहां पर क्रिएशन किया है तो 10.58 डॉट एम पर मार्केट सपोर्ट स्टेबल हुआ एंड टाइमिंग देखेंगे टेक्स देखेंगे तो मैंशन किया गया कि नेक्स्ट पोटेंशियल इंट्राडे सपोर्ट क्रिएट हो चुका एं, है एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है तो ये वो पर्टिकुलर कैंडल था कि देखिएगा कंफर्मेशन कहाँ से आया कि मार्केट जब एक सिंगल रिवर्सल किया और अगेन दूसरा स्ट्रेंथ का इतना रिवर्सल आया है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि जब ज़्यादा लोज ब्रेक भी नहीं हुआ क्लोजिंग भी नीचे नहीं आया तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है मार्केट रिवर्स करेगा एंड ओवरऑल ओवरव्यू बाइंग साइड का ही चल रहा है तो इसी बेस पर जैसे ही ये कैंडल क्लोजिंग आया इट वॉज कन्फर्म इट्स अ बाइंग मार्केट तो अगेन देखेंगे फ्रेश रेजिस्टेंस को मार्क किया गया टाइमिंग देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए कि टेन डॉट फिफ्टी एम ये टेलीग्राम का टाइमिंग है एंड सेकंड्स का भी आप टाइमिंग देख सकते हो कि टेन डॉट फिफ्टी एट एम पर शेयर किया गया है एंड ये जो स्क्रीनशॉट लिया गया है टेन डॉट फिफ्टी सेवन डॉट फिफ्टी थ्री सेकेंड्स पर लिया गया है तो ज़ीरो दा का ये डीमेट अकाउंट है एंड जिसका स्क्रीन शॉट है तो सेकेंड भी आप नीचे हमेशा ट्रांसपेरेंसी के लिए देख सकते हैं तो सात आठ सेकेंड का तो मिनिमल डिफरेंस आएगा स्क्रीनशॉट लेने में टेक्स्ट लिखने में फिर उसको शेयर करने में तो जनरल टेन टू ट्वेंटी सेकेंड्स का ही डिफरेंस होता है इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं होता है तो मार्केट इस लेवल पर परफॉर्म कर रहा था ये सपोर्ट को शेयर किया गया ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था इसके बाद आज के दिन देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन मार्केट ये पहली ही जो ग्रीन कैंडल है इसने और ज़्यादा मार्केट को रिवर्स किया और एक अच्छा कंटिन्यूशन एंड ब्रेकआउट आज के दिन देखने को मिला सो so, आज के दिन ये ट्रेड देखिएगा ज़्यादा क्यों होल्ड नहीं किया गया है यहाँ ट्वेल्व फोर्टी पर यह अपडेट कर दिया गया कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आज का जो मोमेंटम है वो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन मिल चुका है क्योंकि जिस तरह का बाइंग साइड मार्केट ने रैली कंटिन्यू किया है ये सेटिस्फाइंग नहीं था मार्केट में वो आ, क्या कहना चाहिए वो वॉल्यूम्स या वो हेल्दी बिहेवियर नहीं था आज के दिन आप विक क्रिएशन देखोगे तो नॉर्मल डेज से काफ़ी ज्यादा विक क्रिएशन है तो दिस टाइप ऑफ मार्केट मुझे पर्सनली एग्जीक्यूशन करना ऐसे मार्केट्स में पसंद नहीं है क्यों पसंद नहीं है क्योंकि उसका प्रोबेबिलिटी कम होता है इसके पहले अगर आप मार्केट्स देखोगे तो इतना ज़्यादा विक क्रिएशन और इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी आपको नहीं मिलेगा ये कितना अच्छा मार्केट रहा इसके पहले कंटिन्यूस बाइंग साइड नॉर्मल हेल्दी कैंडल्स देन ऑन टू द सेलिंग साइड तो ये नॉर्मल बिहेवियर है बट आज के दिन थोड़ा चौपीनेस मैं कहूँगा ज़्यादा रहा है एंड वोलेटिलिटी हाई था तो ये अनसर्टेन बिहेवियर देखिए तभी होता है जब क्या होता है ज़्यादा बड़ी बड़ी बिग देखने को मिले तो जो मेरे पुराने कोर्सेज़ थे वेन बी यूज टू डू लाइव एग्जीक्यूशन या लाइव ट्रेनिंग जब होता था तो उसमें बताया जाता था कि किस तरह के ट्रेडिंग डेज को अवॉइड करना है तो वह एग्जैक्ट इसी तरह के डेज होते।, होते हैं निफ्टी में हालांकि ये टाइप के डेज काफ़ी कम क्रिएट होते हैं बट होता ज़रूर है कि जिस भी दिन समझ जाइए ज़्यादा विक क्रिएशन हो कि एक ही सिंगल कैंडल में ऊपर गया एक ही सिंगल कैंडल में नीचे अगेन ऊपर अगेन नीचे और बड़ी बड़ी विक क्रिएशन हो रही है जैसे ये चौपी मार्केट है तो वैसे ही डेज पर देखिए एसल हंटिंग होता है और इस तरह का अनसर्टेन बिहेवियर होता है कि दो कैंडल में इतना नीचे चला गया अगले ही दो कैंडल में अगेन वापस ऊपर आ गया तो दिस इज कॉल्ड द अनसर्टेन मार्केट्स एंड दीज मार्केट्स आर टिपिकली वेरी हार्ड टू एग्जीक्यूट इसलिए मैं इस टाइप के स्टॉक्स अवॉइड करने को कहता हूँ ट्रेडिंग के लिए जिसमें विक क्रिएशन काफी ज्यादा हो राइट यही पहचान होती है बुरे स्टॉक की जिसमें विक क्रिएशन ज्यादा है तो अनसर्टेनिटी उसमें ज्यादा होगी तो मोमेंटम आज के दिन ज्यादा अच्छा नहीं हुआ इतनी विक क्रिएशन थी अगेन नीचे अगेन ऊपर अगेन नीचे और प्रीमियम डे भी होता है ऐसे में तो ट्रेड को इसी पॉइंट पर फिर एग्जिट किया गया तो एग्जिट पोस्ट भी देखेंगे ट्वेल्व फोर्टी पर शेयर किया गया मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक किया एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वन रेशो थ्री तो आज के दिन नहीं मिला बट वन रेशो से टू के से ज़्यादा आज के दिन यहाँ पर एग्जीक्यूशन में टारगेट्स अचीव हुआ है सो so ये तो हो गया आज का मार्केट एनालिसिस एंड ओवरव्यू अब इसके बाद देखिएगा कि आज के दिन जिस तरह का अनसर्टेन यहाँ पर क्लोजिंग रहा है एंड जिस तरह का मार्केट अनसर्टेनिटी या चॉपीनेस क्रिएट हुआ एंड क्लोजिंग के टाइम जिस तरह का देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा कल के एनालिसिस या कल के ट्रेडिंग प्लान के लिए वो यही है कि देखिए इतना अनसर्टेन मार्केट है पूरा वी शेप रिकवरी हुआ है एंड अगेन सेम पॉइंट पर सस्टेन होकर के क्लोज हुआ है तो जो की टेक अवे आज के यहाँ से इस पर्टिकुलर सेशन से कि मार्केट पूरे सेलिंग स्विंग से जो आज के दिन अनसर्टेन एक्टिविटी हुआ कि अचानक से देखेंगे यहाँ पर अगर कैंडल साइज़ अगर आप सभी सिर्फ ऑब्जर्व करें तो ये नॉर्मल कैंडल साइज है कि चॉपीनेस है विक क्रिएशन है बट इसके बाद अचानक से एग्रेसिव सेलिंग आया है पेस ऑफ मोमेंटम या कैंडल साइज काफ़ी अचानक से यहाँ पर इंक्रीज हुआ है तो कंटिन्यूस सेलिंग साइड मोमेंटम एंड कंटिन्यूस हाई वोलेडिलिटी मार्केट ने रिवर्स भी किया है तो इसी बेसिस पर देखिएगा जो यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कि जो सेलिंग मोमेंटम हुआ है वो रिवर्स हुआ है एंड मार्केट ओवरऑल रेंज में क्या कर दिया है अब इस रेंज में अगेन रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो गया है एंड रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद हायर लेवल्स पर सपोर्ट्स को मार्केट्स ने स्टेबल कर लिया है तो इसी बेस पर देखिएगा आज का मार्केट भी क्या है हायर लेवल्स पर है अगर कल के क्लोजिंग से कंपेयर करेंगे तो यहाँ कहीं कल का क्लोजिंग है तो कल के क्लोजिंग से तो ओवरऑल मार्केट्स आज का पॉजिटिव ही है एंड पॉजिटिव होने के साथ साथ भले सेलिंग आया बट रिवर्सल किया है एंड मेजर रेंज में रिट्रेसमेंट कंप्लीशन के बाद ये फ्रेश लोज था इसके बाद अब लोज हमारा और ऊपर रेंज में यहाँ पर शिफ्ट हो गया है तो इसी बेस पर अभी भी मार्केट ऑल ओवर ओवर व्यू इज स्टिल बुलिश एंड अगेन एंड अगेन अगर मेजर ओवर व्यू या रेंज का परफॉर्मेंस देखा जाए तो मार्केट इज स्टिल बुलिश इन दी रेंज कि अगेन एंड अगेन हायर लेवल्स एंड मेजर लेवल्स को ही मार्केट डे बाई डे टेस्ट कर रहा है जब से रेंज में आया है लोअर लेवल्स पर सस्टेन हुआ है बट अगेन एंड अगेन यहाँ पर भी मार्केट शिफ्ट हुआ अगेन हाई लेवल टेस्ट किया यहाँ पर भी रिकवरी के बाद टेस्ट किया और अगेन सपोर्ट टेस्टिंग के बाद आज के दिन जो गैप अप हुआ है सेम लेवल्स में मार्केट रेजिस्टेंस फेस किया है एंड आज के दिन जैसे कि रिवर्सल हो गया है सेलिंग स्विंग का तो इट्स अ बुलिश साइन एंड साइन ऑफ स्ट्रेंथ इनटू टू दी मार्केट सो इसी बेस पर देखिएगा जो पहला प्रिफ्रेंस है वो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में बाइंग साइड का यहाँ पर दिया जाएगा एंड जो केसेस बनेंगे वो सिंपल बनेंगे कि कल के दिन मार्केट्स आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि अगर कल का मार्केट बाइंग मार्केट होगा तो इंट्राडे लो को वो टेस्ट नहीं करने वाला है कि अगर कल के दिन जो केसेस बनेंगे अगर मार्केट नीचे गिरता है तो सपोर्ट बनने पर मैं पर्सनली तो बाय ही करने वाला हूँ इंट्राडे कल का सपोर्ट का ब्रेकडाउन अगर सेलिंग ही केस बनेगा तो ही क्रिएट होगा अदरवाइज जो मेजर केसेस हैं तो पहला प्रिफ्रेंस बाय साइड का ही दिया जाएगा सो so, अगर कल के दिन मार्केट कहीं भी ओपन होता है गैप अप अगर काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो भी अगर नीचे गिरेगा तो हम बाय करेंगे सपोर्ट बनने पर तो बेस्ट प्रोबेबिलिटी और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन यही वाला होगा कि कल के दिन जैसे बाइंग स्विंग में आज के दिन क्लोज हुआ तो गैप अप हो जाए और गैप अप होने के बाद अगर गिरने लगा तो आज का जो बाइंग बना है ये तो उतना अच्छा नहीं है बट कल का जरूर काफ़ी शानदार बाइंग यहाँ पर इस पर्टिकुलर मार्केट के बाद बन सकता है तो सबसे बेस्ट प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन क्या होगा कि कल का मार्केट गैप अप हो जाए गैप अप के बाद सेलिंग स्विंग क्रिएट हो और सपोर्ट जैसे ही लेगा तो अच्छा बाइंग स्विंग का कंटिन्यूशन एक्सपेक्टेड होगा सो देखिएगा जैसे जैसे मार्केट हायर लेवल्स को ज़्यादा टेस्ट कर रहा है सस्टेन कर रहा है तो ये लेवल्स ब्रेकआउट होने का प्रोबेबिलिटी उतना ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है तो कल के दिन अगर नीचे गिरेगा तो बाय करेंगे एंड अगर बाइंग साइड जाता है कि गैप अप हो गया या फिर बाइंग स्विंग का क्रिएशन हो गया तो बाइंग स्विंग का क्रिएशन होगा तो यहाँ पर फिर हम वेट करेंगे डायरेक्टली सेलिंग साइड का पोजिशन नहीं लिया जाएगा क्योंकि कल के मार्केट्स में पहला प्रेफरेंस बाइंग साइड का दिया गया है तो सेलिंग साइड गिरेगा तो भी बाय करेंगे बाइंग साइड जाएगा तो भी रेजिस्टेंस बनने के बाद प्रॉपर ब्रेकआउट आने पर अगेन रिपीट करूंगा जब प्रॉपर इंट्राडे हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होगा तभी बाइंग साइड का एग्जीक्यूशन लिया जाएगा अदरवाइज नहीं लिया जाएगा तो ये दूसरा बाइंग साइड का केस हो गया अब जो तीसरा और चौथा केस बनेगा कि अगर प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं आता है मार्केट रिट्रेस करता है साइडवेज रहता है तो फिर इस केस में वीकनेस आएगा सपोर्ट ब्रेकडाउन होंगे तो बाइंग स्विंग के बाद शॉर्ट किया जाएगा सो करेंट मार्केट के कंडीशन पर ये तीन केसेज ही सफिशेंट हैं तो ये तीन केसेस को कल के दिन मार्केट्स में हम लुकआउट करेंगे तो जैसे कि आज के दिन एंड कंटिन्यूस काफ़ी दिनों से ओवरव्यू व्यू कंटिन्यूस हमारा राइट हुआ है टेलीग्राम चैनल को आप यूट्यूब वीडियोस में देख सकते हैं कि हर दिन जो एनालिसिस वीडियोस हैं तो ये पूरे लर्निंग प्रोसेस को डिज़ाइन किया गया है कि एनालिसिस वीडियो में हम ट्रेडिंग प्लान को डिस्कस करते हैं एंड केसेस को डिस्कस किया जाता है कि जैसे आज के दिन मैंने तीन केस डिस्कस किया तो आज के मार्केट के लिए आप कल का एनालिसिस वीडियो देख सकते हैं हर दिन एग्जीक्यूशंस को वन डे बिफोर ही एक्सप्लेन किया गया है कि आज का एनालिसिस आप देख सकते हैं इलेवेंथ जैन के वीडियो में इलेवेंथ जैन का फिर टेंथ जैन को देख सकते हैं तो आप चीज़ों को वहां पर इस लर्निंग प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए जो बेस्ट थिंग है कि एक दिन पहले एनालिसिस वीडियो को आप वॉच करें तो ट्रेडिंग प्लान वहां पर आपको एनालाइज होगा इसके बाद आप सेल्फ से चाहें तो सेल्फ से भी कर सकते हैं कि जो अगर टेलीग्राम चैनल परचेज नहीं कर सकता है तो वो सेपरेटली सेल्फ बेसिस पर भी एनालाइज़ कर सकते हैं कि जो केसेस हैं वो एनालिसिस वीडियो में डिस्कस हो जाता है बट लर्निंग प्रोसेस को और एनहेंस करने के लिए लाइव मार्केट एक्सपीरियंस देने के लिए टेलीग्राम चैनल पर फिर जैसे आज का ओवरव्यू शेयर किया गया ऐसे ही हर दिन का जो भी केस क्रिएट होता है तो वो केसेज या ओवरव्यू को टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाता है कि जिससे जो चीजें हमने एनालिसिस वीडियो में डिस्कस की वो फिर लाइव मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा कि ओवरव्यू लर्निंग प्रोसेस के लिए कि वही चीजें लाइव मार्केट में हो रहा है जैसा हमने डिसाइड किया कि नीचे गिरेगा तो सपोर्ट बनने पर बाय करेंगे तो वो सपोर्ट कहां पर बन रहा है वो चीजों को लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पर ऑब्जर्व किया जाता है सो so, टेलीग्राम चैनल को लाइव मार्केट ओवरव्यू अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एंड करेंटली वी आर रनिंग दी कूपन कोड सी ओ डी वन फाइव जिसे आप यूज़ कर सकते हैं टू अवेल एडिशनल फिफ्टीन परसेंट ऑफ ऑन ऑल ऑफ़ द प्रोडक्ट्स सो इस पूरे ओवरव्यू क्रिएशन पॉइंट कैसे हम स्विंग आइडेंटिफिकेशन करते हैं कैसे लाइव मार्केट में सपोर्ट किस पॉइंट पर क्रिएट होगा ये चीज़ें कैसे ऑब्जर्व होती हैं जैसे मैंने आज के दिन सर्टिन केसेस वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया तो इसका एक डीप सेशन यहाँ पर क्रिएट किया गया है कि 20 आवर सेशन में चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है एंड 20 आवर सेशन अगर आप कोर्स को परचेज करते हैं तो वन ईयर टेलीग्राम चैनल आपको वहाँ पर अभी फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूसिव मिलेगा एंड फिफ्टी टू आवर सेशन इज़ दी बेस्ट कोर्स टिल डेट डिज़ाइन बाय मी जिसमें डीपली ये सारे केसेस एंड इंट्रगिटीज से लेकर के एडवांस थ्योरीज तक सारी चीज़ों को फिफ्टी टू आवर सेशन में कवर किया गया है एंड फिफ्टी टू आवर सेशन में अभी के लिए अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो टेलीग्राम चैनल आपको लाइफ टाइम के लिए वहां पर इंक्लूसिव मिलेगा तो ये ऑफर सिर्फ कुछ दिनों के लिए जैसा वीडियोस में, में मेंशन किया गया इसके बाद आपको 20 आवर सेशन में सिर्फ सिक्स मंथ का एक्सेस मिलेगा एंड फिफ्टी टू आवर सेशन में आपको टेलीग्राम के लिए सिर्फ सिक्स मंथ से लेकर के वन ईयर का एक्सेस मिलेगा तो अभी अंडर दी ऑफर ड्यूरेशन है तो फिफ्टी टू आवर सेशन में आपको लाइफ टाइम एक्सेस है एंड ट्वेंटी आवर सेशन में आपको वन ईयर का एक्सेस अभी टेलीग्राम का फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें देखने को मिलेगा सो so, सारी चीज़ों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से आप चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं एंड जाते जाते ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे